Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. The session we're going to cover is for May 6, 2021. Aapka jo KSE 100 index had gained by 0.51% to 231.06 points and it closed on 45,174.67. Aapka overall traded volume was 78.642 million shares. It was a relatively low volume, magar isme koi worrisome baat nahi hai. एक तो रमज़ान का आखिरी सेशन था, ट्रेडर्स मेरे ख्याल में वैसे भी कोई इतने एक्टिव नहीं थे, उन्होंने कोई पोजीशंस नहीं लेनी थी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, और इसमें कोई वरेसम बात नहीं है. एक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड, वैसे भी ईद के बाद ही एक्सपेक्टेड थी और वी थिंक कि आपको अच्छे वॉल्यूम्स और कोई एक्टिविटी अब ईद के बाद नज़र आएगी. वीक ऑन वीक बेसिस पे देखिए तो आपका जो हमें एक पॉजिटिव वीक मिला है बाय 912 पॉइंट्स, ये अप्रिसिएशन है हमारे पास केसी 100 इंडेक्स की और 2% की, तो इट वाज हम इस वीक को बुलिश कह सकते हैं. अब हम इस ये जैसे कि वीकेंड वीडियो है तो हम इसमें टेक्निकल्स को भी देखेंगे और हम मैक्रो फंडामेंटल्स भी देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कुछ देखेंगे कि, और हम देखेंगे कि वो हमें क्या डायरेक्शन दे सकते हैं आगे केसी 100 इंडेक्स की, स्टॉक मार्केट की. एक तो जो हमेशा हम आपसे एक स्टैट आपसे हम डिस्कस करते हैं वो प्राइस टू अर्निंग और डिविडेंड यील्ड का है, और हम उसको कंपेयर करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के साथ जो हमारा रीजन है. तो जो हमारी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 6.7 टाइम्स की है और एशिया पैसिफिक रीजन की 15.8 टाइम्स पे खड़ी है, और इस पर हम जो है हम काफ़ी ये बता रहा है कि हमारी जो वो है स्टॉक मार्केट वो अंडरस्टेटेड है, अंडर वैल्यूड है, एक अच्छे जोन में है इस पर एज कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन की स्टॉक मार्केट्स की. डिविडेंड यील्ड जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज वो ऑफर करिए 7.3% और एशिया पैसिफिक रीजन की 2.6%. यहाँ पे भी हम एशिया पैसिफिक रीजन की स्टॉक मार्केट्स को बीट करती है हमारी स्टॉक मार्केट. अब डिस्पाइट इस अच्छे पिक्चर के व्हाई आवर स्टॉक मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बातें इस साल के शुरू से ही हो रही थी कि 50,000-51,000 मार्केट क्रॉस कर देनी चाहिए, तो हमारे पास नेगेटिव्स में आपके पास ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है कोविड की, और फिर ये इसके बाद इसी को ट्रिगर कर रही हैं ये लॉकडाउन एक्सपेक्टेशंस जो इकॉनमी को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. ये दोनों आप बहुत अच्छी तरह हम मुझसे ज़्यादा समझते होंगे कि कितनी सीवियर थ्रेट्स हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें कंटेन हो जाएं तो आई थिंक कि चीज़ें अच्छी हैं, हमारी मार्केट को ग्रीन बड़े आराम से हो जाना चाहिए. इसके अलावा हमारे पास ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है जो 21% से इंक्रीज़ हुआ है, और एक मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अनफॉरसीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट या किसी किस्म का कोई अनफॉरसीन इवेंट आप एक्सपेक्ट ज़रूर कीजिए जो कोई एडवर्सली शायद इफेक्ट कर दे स्टॉक मार्केट को. ये एक थ्रेट इज़ देयर नाउ. पॉजिटिव्स के हम अगर अभी आएँ तो वही है कि ईद के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेडर्स नई पोजिशन लेंगे और आपकी मार्केट में एक्टिविटी नज़र आएगी आपको. दूसरी हमारे पास पॉजिटिव बात यह है कि ECC ने अप्रूव की है तकरीबन 35 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की पेमेंट, वही जो इंस्टॉलमेंट थी एक वो अप्रूव कर दी है, वो डिस्पर्स होने जा रही है. आपका पाक रुपी इज स्टिल स्ट्रॉन्गर, इज स्टेबल अगेंस्ट US डॉलर. जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनका प्लान है ही इज गोइंग टू निगोशिएट द डील विद IMF, एंड उसमें दो बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो बड़े ही हॉन्ट कर रहे थे हमारी स्टॉक मार्केट को. एक तो आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात थी जो IMF ने बोला हुआ था कि उनको इंक्रीज़ किया जाए, और दूसरा टैक्स रेट्स की बात थी. इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे वो निगोशिएट करना चाहते हैं, ही डजंट वांट टू इंक्रीज़, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है, और वो कहते हैं कि मैं इस IMF से ये दोनों पॉइंट्स एग्री करवाऊंगा, और मैं ही इज़ वेरी होपफुल अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉइंट होगा, मार्केट इज़ गोइंग टू रीबाउंड, इसके रिएक्शन में ज़रूर होगी. और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है विच हैज़ इंक्रीज बाय 22.4%. व्यूज इसमें जहन में रखिए कि ये इसमें डिस्पाइट इट्स अ गुड फिगर, बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा इम्प्रूव हुआ है, मगर इसमें जहन में रखिए कि आपका जो बेस ईयर अब जिसमें जो बेस यूज हुई है वो बड़ी वीक थी, यानी कि April 2021 का डेटा April 2020 के साथ कंपेयर किया गया है. April 2020 तो वैसे ही बड़ा आपको याद होगा उस टाइम तो कोविड बड़ा आया था, टोटल लॉकडाउन हो गया था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसके साथ कंपेयर किया गया है. हम फिर भी आई डोंट नो इसको इतना पॉजिटिव लेना चाहिए, मगर फिर भी हम इसको पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर लेते हैं कि जो इतनी जो अच्छी आपको परसेंटेज इंक्रीज़ मिली है वो सिर्फ इस वजह से कि बेस ईयर बड़ा लो था.
एक और चीज़ है कि जी पेट्रोलियम सेल्स का हमारे पास बहुत अच्छा डेटा आया है, दैट एक्चुअली पेट्रोलियम सेल्स हैव इंक्रीज बाय 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस 13%। मैं इसमें आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहूँगा। आपके सामने एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखिए एज पर इंडस्ट्री उस 57% कंपेयर टू अप्रैल 20 और अप्रैल 21 ऑलमोस्ट 57% का इंक्रीज हुई है पेट्रोलियम सेल्स में। और आप अगर आप पीएसओ को देखिए तो पीएसओ की जो अप्रैल 20 और अप्रैल 21 का डेटा 100% इंक्रीज किया आपको पीएसओ ने सेल्स की, दिस इज अ वेरी गुड साइन। उसके बाद अटक पेट्रोलियम लिमिटेड ने 41% का इंक्रीज दिया है अपनी सेल्स में, शेल ने 65% का, अनफॉर्चुनेटली हैस्कॉल नेगेटिव में है 59% से नेगेटिव में है, मगर ओवरऑल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा डेटा है। मैं आपके साथ अगर एक और भी शेयर कर लूँ जी व्यूज, ये है पेट्रोलियम सेक्टर का शेयर। नाउ आई डोंट नो अगर आपको ये सही अपीयर हो रहा है जी यहाँ पे, अब आपको सही आ रहा होगा कि अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा शेयर भी इस टाइम पीएसओ के पास है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में पीएसओ के पास 43% ऑफ सेल्स का वो मार्केट शेयर था, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 46%। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारी लोकल कंपनीज में, वैसे तो टोटल होगा वैसे, मगर अभी अटक पेट्रोलियम है जिसके पास ऑलमोस्ट 11% था, अब 9% है। फिर शेल है 8% पे ही रहा, हैस्कॉल के पास 7% था विच हैज़ डिक्रीज टू 4%, और अदर्स में 31% है विच हैज़ इंक्रीज टू 33%। काइंडली एक तो यहाँ पे ज़हन में रखिए कि आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन कि पीएसओ को आप उठा लें। पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ा परफॉर्म करने वाला है, सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, मगर इट सर्टनली इज़ अ गुड पिक्चर, और आई होप सो कि ये अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ट्रांसलेट हो रहा होगा, तो पॉजिटिव ये साइन भी है, ये इट्स अ गुड साइन ये भी हमें। और ऑब्वियसली आप खुद भी जानते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इन्फ्लुएंस केसी 100 इंडेक्स की कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये परफॉर्म भी करते हैं ये भी करते हैं, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी परफॉर्म इनके साथ करता है, क्योंकि हमारे पास आपके सामने है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को पेमेंट रिलीज हुई है, इसमें इसके बेनिफिशरीज में PPL भी आता है, सम हाउ OGDC भी आता है, क्योंकि उनकी भी पेमेंट्स रिलीज होती हैं थ्रू पावर प्लांट्स आगे, तो ऑब्वियसली दे कुड भी, आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट ड्राइव आपको मिल सकती है। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं आपको किसी किस्म की यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट या बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस मैं आपको सिर्फ न्यूज़ एंड फैक्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर अब हम अपने टेक्निकल्स की तरफ चलें तो हमारा जो KSE 100 इंडेक्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेट्स ऑन अ वैल्यू ऑफ 52, ये इसने अपना लो दिखाया हमें 41 पे और वहाँ से रिवर्स करके ये पिछले वीक में इसने अब 52 पे, अगर आप देखिए तो इट्स इन मिडल, ऊपर के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन है, नीचे के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन है, इसके पास दोनों जगहों पे काफ़ी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक और चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आप देखिए सिंस मार्च आपके KSE 100 इंडेक्स ने 4037 से नीचे का RSI नहीं जाने दिया, तो ये भी एक अच्छी बेस है, ये एक अच्छी बेस है। और मैं हमेशा इस पीरियड के साथ कंपेयर कर रहा होता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो अगर आप इसमें रेलेवेंस देखें और सिमिलैरिटीज देखें उस पीरियड में भी, जो हमारे पास हमने एक प्रेशर जोन डिफाइन किया हुआ था अक्टूबर से नवंबर 2020 का, और उसके बाद आपकी मार्केट दोबारा चढ़नी शुरू हुई, तो उसमें भी आपका एक दफ़ा RSI बिल्कुल नीचे गया एट द वैल्यू ऑफ 28, यहाँ पे भी RSI एक दफ़ा बिल्कुल नीचे गया एट द वैल्यू ऑफ 28, और उसके बाद आपके RSI ने अपनी सपोर्ट रखी अराउंड दीज सेम लेवल्स 37 to 40, यहाँ पे भी इसने यही किया है बिल्कुल, और यही इसने अपना, ये देखिए यहाँ पे भी इसने अपना एक 37 का RSI नीचे दिखाया फिर 40, यहाँ पे भी इसने एक 37 का RSI दिखाया फिर 40, और उसके बाद आपकी मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी, मगर इट सीम्स लाइक दिस इज व्हाट आपकी रेलेवेंस हम इसके साथ बना सकते हैं हिस्टोरिकली, चलिए कि अगर ये भी प्रेशर जोन था तो मे बी इस टाइम के मार्केट परफॉर्म करे। अगेन हमारे पास आगे एक मैक्रो थ्रेट्स भी है, बजट भी है, उस पर हमारा इन्वेस्टर कॉशस होगा, FATF की मीटिंग भी है, ये भी जहन में रखिए जून में।
दूसरा मैं आपके साथ यहाँ पे इचिमोको को अगर इंटरप्रेट करें तो आपकी देखिए देखिए प्राइस जो है दोनों लाइंस को कट करती हुई क्लाउड इसकी जो वैल्यू है सॉरी क्लाउड से ऊपर है, लैगिंग स्पैन भी सारी लाइंस को कट करके ऊपर जा रही है। तो एक अच्छा आपको पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है कि शायद कुड बी एन अर्ली साइन, अर्ली साइन और अपवर्ड जाने के एक अर्ली साइन। मैं इसको बुलिश ही इंटरप्रेट करूंगा। मैं अगर इसको मल्टी टाइम फ्रेम 5 डेज के भी उस पर जाऊं तो हमारे पास इचुमोको तो क्लियरली बुलिश है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये हमें अभी अगले सेशन हमें या अगला वीक हमें ग्रीन ही इंडिकेट करता हुआ नजर आता है इचुमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के भी अकॉर्डिंगली आपके पास काफी मार्जिन है ऊपर जाने का। बोलिंजर बैंड्स को देख लीजिए तो बोलिंजर बैंड्स जो हैं देयर इन अपनी मिडल में है मूविंग एवरेज के, अपना उन्होंने लोअर बैंड को टच करके वापसी करे तो मे बी आपके पास अपर का काफी पोर्शन है। स्टॉक हैज टेक क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। एमएससीडी को अगर आप देखिए तो एमएससीडी की जो ब्लू लाइन और रेड लाइन में बिल्कुल थोड़ी सी डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट अबाउट टू कट। आपको अगर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमें जो मिलेगा ईद के बाद अगर वो ग्रीन मिलता है तो प्रॉब्ली दे विल बी कटिंग ईच अदर और आपका एमएससीडी जो है वो बुलिश में चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे विलियम्स एलिगेटर को देख लीजिए तो विलियम्स एलिगेटर को अगर आप देखिए तो ऑन द वर्ज ऑफ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कि ये शायद बुलिश हो जाए, अपवर्ड डायरेक्शन आपको दे। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी मिडिल में है, इसके पास ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है, अपने लो से उससे ही वापसी कर रहा है। केसी ऑल शेयर इंडेक्स को देखिए तो दिस इज मोर लाइक साइडवेज, इसने अभी तक अपने आप को केसी 100 इंडेक्स की तरह उस तरह अपवर्ड ट्रेंड में नहीं चेंज किया जैसे केसी 100 इंडेक्स ने किया है। आरएसआई आपका इस ऑन वैल्यू ऑफ 49, स्टॉक हैस्टिक क्लियरली आपको अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। मैं अगर कंक्लूड करूँ आज के अपने सेशन को जी, आई एम सॉरी आज की अपनी वीडियो को, तो हमारे पास इचिमोको इज बुलिश, विलियम्स एलिगेटर को मैं अभी न्यूट्रल ही करूंगा, स्टॉक हैस्टिक इज बुलिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी न्यूट्रल, आरएसआई इज आल्सो न्यूट्रल, बोलिंजर बैंड्स को भी न्यूट्रल और एमएससीडी भी न्यूट्रल ही है, मोर लाइक बुलिश में अगर मोर टुवर्ड्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बेरिश। आई थिंक आपका जो अगर नेक्स्ट वीक इट हैज टू बी ग्रीन, रमजान का भी जो वो है टाइम निकल चुका है, ट्रेडिंग वुड लोग अपनी नई पोजिशंस लेंगे ईद के बाद, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रीन, आपको अच्छा ग्रीन सेशन मिल जाए। एवरेज टू रेंज इज 628 पॉइंट्स, इट मीन्स के ऑन एवरेज आपके केसी 100 इंडेक्स में 628 पॉइंट की फ्लक्चुएशन हर रोज होती है। फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपकी सपोर्ट इज 44,961 फर्स्ट, सेकेंड इज 44,747, थर्ड इज 44,605। इन केस आपका ग्रीन होता है तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी सबसे पहले 45,316 पे, सेकंड इज 45,458 एंड थर्ड इज 45,672। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।